हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, जितने भी मेरे टेक्नीशियन भाई और जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे कलीग्स, पूरी फ़ोन फिक्स की टीम या जितने भी मोबाइल टेक्नीशियन भाई है, जितनों ने भी मुझे सपोर्ट किया है, विश ये उन सबको तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा कि फ़ोन फिक्स हैदराबाद को यहाँ तक आप लेकर आए। फ्रेंड्स, ये आपका ही प्यार है, आपकी ही मेहनत है, जो कि आपकी ही दुआएँ हैं, जो कि फ़ोन फिक्स हैदराबाद की टीम आसमान की बुलंदियों को छू रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी पूरी टीम पूरे दिल से काम करती है और पूरी मेहनत करती है स्टूडेंट्स के पीछे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एक एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग देने की पूरी मेहनत करते हैं हम लोग, जहाँ पे 8 घंटा हैंड स्किल और 3 घंटा सर्किट की नॉलेज देते हैं, जहाँ पे हमारे पास से हर स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड्स होते हैं जो उनको बताए जाते हैं, जो वो लोग ऑन मोबाइल में चेक करते हैं पहले, फिर इसके बाद में फॉल्टी मोबाइल में चेक करते हैं, तो उनको बहुत इजी हो जाता है मोबाइल रिपेयर करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हैंड स्किल का काम बहुत ज़रूरी है। ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड डुअल डेकर आईसी खोलना और साथ ही साथ डायग्राम को रीड करना, सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ों पर हमारे यहाँ पर वर्क हम कराते हैं, ज़्यादा मेहनत कराते हैं, ताकि बच्चों को बहुत आसानी से काम करने में उनको आसानी हो। यही एक कारण है फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे, जितने हमारे पुराने स्टूडेंट से काम कर रहे हैं, मैं उनके जो पोस्ट है डेली ग्रुप्स में निकाल के फेसबुक पर या यूट्यूब की कम्युनिटी पर या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर करता हूं, जहां पे आप देख सकते हैं जो बच्चे आकर काम सीख कर जाने के बाद किस लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, फोन फिक्स हैदराबाद में सिर्फ बातें नहीं, यहां पे काम होता है। जी हां फ्रेंड्स, इतनी खामोशी से यहां पे काम होता है कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे होते हैं, उसका शोर होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है, काम खामोशी से समझ के करना चाहिए और आपका रिजल्ट पूरी दुनिया को दिखता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं मेरे फेसबुक पे काफ़ी सारे पोस्ट डाला हूँ, जो कि इसी हर रोज़ मैं उनके स्क्रीनशॉट लेता हूँ और फेसबुक पे डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास बच्चे आ करके काम सीख के जाने के बाद में किस लेवल पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ग्रुप्स भी ओपन करके बताऊँगा हमारे व्हाट्सअप के, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किस तरह से दिया जाता है, कैसे वो काम करते हैं और क्या लेवल पर वो काम करते हैं, ये ज़रूर वीडियो देखें। पूरे चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स, ऐसा वीडियो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट वाले आपको इस तरह का वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस ट्रेनिंग लेने आ गए और आकर जाने के बाद में वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी से इससे सरोकार नहीं होता है। बस ट्रेनिंग दे दिए 20 दिन का, 15 दिन का, कोई 23 दिन, कोई 24 दिन, कोई 30 दिन ट्रेनिंग देता है, बहुत ज़्यादा हो गया, महीने से ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, बाकी ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को बिठा के रखते हैं, 6-6 महीने बिठा के रखते हैं, उनको काफ़ी सारे टूल दिला देते हैं, UFI उनसे परचेस करा देते हैं, इजी जटैक परचेस करा देते हैं, महंगे महंगे SMD आयरन उनके पास से वो सेल कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सेल भी करते हैं। काफ़ी सारे दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपने टूल्स भी बेच देते हैं, और बहुत सारे इंडिया के ऐसे अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि टूल वालों को बार बार आपसे मिलाते रहेंगे, बार बार वीडियो में आपको लेकर आके दिखाते रहेंगे कि टूल परचेस करो। तो दोस्तों, आप टूल परचेस करने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, पहले सबसे ज़रूरी होती है नॉलेज, सबसे ज़रूरी होता है हैंड स्किल का काम, और सबसे ज़रूरी होता है कि आपको मोबाइल में काम कैसे करना है। पहले आप काम करिए, बाद में टूल परचेस करिए। पहले टूल परचेस करके आप रख लेंगे, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, मोबाइल बनाना ही नहीं आता है, कहाँ बनाए, कहाँ से शुरू करें, चेक कहाँ से करें, तो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। टूल आप बाद में खरीदिए, पहले अच्छी सी नॉलेज लीजिए, अच्छा हैंड स्किल बनाइए, डायग्राम को रीड करने का आप तरीका सीखिए। हाँ, डायग्राम का टूल खरीदना है, खरीदिए, क्योंकि फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए आपको डायग्राम की बहुत ज़रूरी ज़रूरत पड़ती है, डायग्राम के जो टूल्स होते हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे टूल हैं, प्रग्मा फिक्स है, बोर्नियो है, जिंग जी जाओ है, वो जिंग जी है, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, DJ KJ, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप काम सीखिए, ऐसी जगह पे काम सीखिए जहाँ के बच्चे जाकर के एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट में जब तक रहेंगे, जब तक आपसे पूछेंगे, तो आप अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि आपको सीखना होता है। साल भर बाद जाके आप इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हैं, दोबारा किसी इंस्टीट्यूट में आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसी जगह पे आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। दोस्तों, आप ऐसी जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाइए जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली काम कराया जाता है, हैंड स्किल का काम कराया जाता है, डुअल डेकर का CPU लाइव आपसे डन करा रहे हैं,
एक सिर्फ देखना होता है और दूसरा होता है करना। दोस्तों सिर्फ देख देख कर आप आते रहेंगे, टीचर क्या तो भी कर रहे हैं, दिन पे दिन जा रहे हैं, सिर्फ टीचर काम करके दिखा रहे हैं और कोई स्टूडेंट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी जगह पे बिल्कुल मत जाइए आप। क्योंकि फ्रेंड्स दुकान में जब आप बैठेंगे तो आपको काम करना है, टीचर को काम नहीं करना होता है। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हम दोनों चीज दिखाते हैं, टीचर भी वर्क करके दिखाते हैं और स्टूडेंट से बिठाकर उनकी सीट पे बिठाकर काम करवाते हैं। फ्रेशर बच्चों से भी डोर लेकर यहाँ पे बनाने लगाते हैं, ब्लैक पेस्टेड सीपीयू इमन से खुलवा के उनसे लगाने लगवाते हैं। दोस्तों सिर्फ आईसीआई खोलना लगाना नहीं होता है, फॉल्ट को फाइंड करना होता है, डायग्राम को रीड करना भी आना चाहिए, एक एक लाइन का नाम मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेटेड सप्लाई क्या है, स्विचिंग सप्लाई क्या है, बक सप्लाई क्या है, एलडीओ सप्लाई क्या है, पीएस होल्ड क्या है, पावर रीसेट क्या है। बहुत सारी लाइनें होती हैं, सिग्नल लाइन हो गया, कमांड लाइन हो गया, आई टू सी, एसपीआई, बहुत सारी लाइनें होती हैं सीपीयू और एमएमसी के कनेक्टेड, ईपीआईओ पिंस होते हैं, कमांड पिंस होती हैं, बहुत सारे ऐसी सप्लाया होती है जो कि नॉलेज आपको चाहिए होता है। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड आईसी लगाने निकालने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों दो घंटे में आप 4G का सीपीयू फोन फिक्स में लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हर बच्चे से 101% हम 2G 4G 3G यहाँ पे फ्रेंड्स हर बच्चे से हम 4G का सीपीयू डन करवाते हैं। 3 दिन के अंदर वो 4G का किसी भी हैंडसेट का सीपीयू निकाल के लगा सकते हैं, 100% गारंटीड होती है हमारा, हर बच्चा यहाँ पे 4G सीपीयू निकाल के लगा लेता है। ईएमसी पावर सब कुछ ऑन मदरबोर्ड हम खुद देते हैं उनको, ऑन मदरबोर्ड में से आईसीआर निकलवा कर उनसे हम लगवाने लगाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ब्लैक पेस्टेड आईसी खुलवाते हैं, डुअल डेकर फोन उनसे करवाते हैं, ब्लैक पेस्टेड ऑन बोर्ड पे वो काम करते हैं, अपने साथ काफी सारे फोन लेकर आते हैं बच्चे जिनके ऊपर हम काम करवा के उनका डर निकलवाते हैं। बहुत इजी वे में क्लीनिंग करते हैं, बहुत इजी तरीके से रिवॉल्विंग करते हैं, बहुत आसान तरीके से वो लगा लेते हैं। वन शॉट में 4G सीपीयू रिवॉल्व हो जाता है बहुत आसान तरीके से, ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड डुअल डेकर वो सीपीयू बना लेते हैं। दोस्तों डायग्राम की अगर बात करें सारी लाइन टू लाइन उनको बताई जाती है कौन सा कंपोनेंट सीरीज है, पैरेलल है, कितने वैल्यू का है, उसका साइज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कॉइल की क्या क्यों हेनरी में मापा जा रहा है, कैपेसिटर फराड में क्यों मापा जा रहा है, रेजिस्टेंस ओम्स में क्यों मापा जा रहा है, सारी चीज उनको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके हाई लेवल तक यहां पे हम लोग सिखाते हैं। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, नेक्स्ट बैच हमारा 27 अक्टूबर से है जिसमें बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ही सीटें हैं, अगर आप चाहे तो बुक करा सकते हैं। चलिए देर ना करते हो, मैं ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बच्चों का काम आपको इस तरह से दिखाता है, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट वाले ऐसा काम बच्चों का नहीं दिखाते हैं कि उनके ग्रुप में क्या काम चल रहा है, बच्चे किस लेवल पे काम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, इससे बहुत सारे सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, मैं रीड करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फोन फिक्स HYD का फेसबुक पेज है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे शमशुद्दीन जो कि हमारे पिछले बैचेस के स्टूडेंट है, जो कि सैमसंग F41 इनके पास आया था, कॉमन इशू जो कि डुअल डेकर का प्रॉब्लम आता है, इसमें रैम का इशू होता है, तो सीपीयू और रैम इन्होंने रिवॉल्व किया और सारा क्रेडिट देते हैं फोन फिश हैदराबाद की टीम को। तहे दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा शमशुद्दीन को और सारे स्टूडेंट्स को जितने भी काम सीखने के बाद जो कि एक इंस्टीट्यूट के साथ लगे होते हैं। दोस्तों ये एक एक साल भी हो जाता है तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग हमको देते हैं, इस तरह से अपना प्यार हमारे साथ शेयर करते हैं कि जब उनका काम सक्सेस होता है तो वो दिल से हमको क्रेडिट देते हैं, थैंक्स कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी मेहनत के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स की भी मेहनत होती है, तभी जाकर के ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है आपको। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करिए, आप भी जरूर सक्सेस होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खैर अंसारी जो कि वन प्लस का हैंगन लोगो था, इसमें भी क्रश डम मोड करके एक प्रॉब्लम आ जाता है, इन्होंने ब्लैक पेस्टेड सीपीयू रैम रिवॉल्व किया और इनका भी हैंडसेट डन हो गया। ये भी खैर अंसारी जो कि हमारे स्टूडेंट है पुराने, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, तो इनका हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टूडेंट का देखते हैं खैर अंसारी के बाद में, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सदाम जो कि दिसंबर बैच के स्टूडेंट है YT3, इन्होंने पैटर्न लॉक रिमूव किया विदाउट डाटा लॉस जैसे आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट का क्या काम किया है इन्होंने। तो खैर अंसारी के बाद में YT3 के बाद में देखते हैं पोको X2 शाहीन अली जो कि हमारे दिसंबर बैच के स्टूडेंट है, टच काम नहीं कर रहा था, सीपीयू उन्होंने रिवॉल्व किया जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे खैर अंसारी, ये वन प्लस का सेट इन्होंने भी बनाया है जैसा कि आप देख सकते हैं,
और इसके बाद पुष्पक जो कि नेपाल के स्टूडेंट है, रेडमी नोट 9 जो कि डेड था, सीपीयू रिवॉल्व किए इन्होंने, इसको भी लाइव इन्होंने रिपेयर किया, जैसा कि आप देख सकते हैं इनका नंबर भी है। अगर आप चाहे तो कॉल करके ट्रेनिंग के बारे में इनसे पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये नेपाल के स्टूडेंट है। तो इसके आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी उन्हीं का है, ये भी नंबर 11th अगस्त बैच के, पिछले बैच के, ये सितंबर चल रहा है। इसके अलावा ये देख सकते हैं पूरा काम इन्होंने किया है। पांडु ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स है, इन्होंने भी देख सकते हैं नो सर्विस प्रॉब्लम था, मोबाइल को रिपेयर किए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखेंगे एमएमसी हेल्थ इशू, ये भी एक स्टूडेंट है बेंगलोर से, तो इन्होंने भी इसको रिपेयर किया। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैंने पोस्ट डाले हैं और हमारे ये फेसबुक पे आप जाकर देख सकते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं एमएमसी को प्रॉब्लम था, इन्होंने सॉल्व किया बैड हेल्थ। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे सैमसंग M31 रजिस्टर्ड इशू, वसीम अंसारी यूपी के स्टूडेंट है ये। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा मोबाइल इनका ऑन हो चुका है। पुष्पक जो कि नेपाल से, और देखेंगे नेक्स्ट पोको X2 प्रॉब्लम सॉल्व, कैमरा प्रॉब्लम। इसके अलावा और देखते हैं नीचे अमरजीत, इसी बैच के स्टूडेंट है ये, 27 सितंबर अभी बैच चल रहा है, एमएमसी वगैरह रिवॉल्व किए, ब्लैक पिस्टेट सेट ऑन कर लिए। ये राजदीप पुराने स्टूडेंट है, इन्होंने देख सकते हैं सीपीयू रिवॉल्व करके सेट को ऑन किया, M51 डेड रिकवरी जॉब डन, थैंक यू। दाऊद देख सकते हैं अमीरुल इस्लाम बांग्लादेश के स्टूडेंट है, सीपीयू लगाकर इन्होंने ये सेट बना लिया है। इसके अलावा मैं और भी पोस्ट दिखाना चाहूँगा आपको, काफ़ी सारे पोस्ट है, आप फेसबुक पे जाके देखिए हमारे। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं हैंडसेट फिक्स कर दिया प्रॉब्लम। इसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हैं सैमसंग M21, इन्होंने भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इसके अलावा अभी देखेंगे नीचे M21 हैंग ऑन लोगो फिक्स। इसके अलावा और भी देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने भी एक प्रॉब्लम अपना सॉल्व किया है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। पोको X2 कैमरा टच दोनों काम नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे सीपीयू को रिवॉल्व करके उसको बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं पोको X2 में कॉमन प्रॉब्लम। ये देखिए M31 हैंग ऑन लोगो, देख सकते हैं कैसा हमारे पास स्टूडेंट डुअल टेकर वगैरह बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस तरह के सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। MI अकाउंट रिमूव यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलोर के स्टूडेंट डुअल टेकर M30S वाटर डैमेज, ये देख सकते हैं ये वाला सेट भी इन्होंने बनाया नेटवर्क IC चेंज करके। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मुझे थैंक्स कहे, और ये देख सकते हैं फ्रेशर स्टूडेंट से डुअल टेकर का हम काम करा है, इनका भी लाइव वीडियो है देख सकते जा करके। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट्स देख सकते हैं आप, जो काम करने के बाद में स्टूडेंट थैंक्स बोलते हैं उनके लिए सारा चीज़ ये देख सकते हैं। सब ही स्टूडेंट यहाँ पे जितना भी काम करते हैं, मैं हर दिन यहाँ पे पोस्ट डालते रहता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह का काम आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा 27 अक्टूबर से है, बुकिंग चल रहा है, अगर आना हो तो आप आ सकते हैं। ये देख सकते हैं जितने भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, उन्हीं के सारे फ़ोटोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो स्टूडेंट काम करते हैं डेली हमारे पास एक्टिव रहते हैं, सारे डुअल टेकर वगैरह सब बना लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह का उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप चाहो तो आप भी आ सकते हैं। ये देख सकते हैं लाइव उनको क्लास में पढ़ाया जाता है, एक एक बच्चे को सामने बिठा कर सिखाया जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे आपको सोल्यूशंस हमारे व्हाट्सअप के स्टेटस पे और हमारे फेसबुक के इस तरह के पेज पे मिलते रहेंगे। ये देख सकते हैं ये शमसुद्दीन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के भी काफ़ी सारे हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो आप जा कर के देखिए। और वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।